गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा शुरुआत खबरों की करते हैं। जम्मू जिले की सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है। इन बच्चों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन ने फैसला लेते हुए इनकी सूची बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विशेष तौर पर ऐसे 14 साल की आयु तक के बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर अपडेट लेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से अब जम्मू जिले की सड़कों पर जो घूमने वाले बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए अब यहां पर प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें प्रशासन ने एक मुहिम छेड़ी है और इन बच्चों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि आने वाले समय में इनके जो भविष्य है उसको संवारा जाएगा। इसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो शिक्षा रहेगा और शिक्षा के जरिए ही इन सभी बच्चों को जो है, इन सभी बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बेसहारा जो हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो सड़कों पर घूमते हैं और सड़कों पर जो है वो लोगों के पास जाकर कहीं ना कहीं भीख मांगने की कोशिश भी की जाती है। इसी कड़ी में ये कदम जो है ये जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया है। हम पूरी अपडेट लेंगे। हमारे साथ शिल्पा इस वक्त जम्मू से हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। शिल्पा, पूरी अपडेट दे दीजिए, किस तरह का ये प्लान रहेगा और कैसे जिला प्रशासन जो है वो इन बेसहारा बच्चों के लिए सहारा बनकर निकलकर सामने आएगी। देखिए, अगर हम सड़क पे जो बच्चे घूमते हुए नजर आते हैं, कई सारे बच्चे हैं जो कि भीख मांगते हुए नजर आते हैं, और उन बच्चों की बात करें तो कई बच्चों के जो है वो माँ बाप भी नहीं। अब इन्हीं बच्चों को जो है वो खोजा जाएगा, तलाशा जाएगा, और इन बच्चों की बात करें तो यानी कि बताया गया है कि लगभग 0 से लेकर 14 वर्ष की जो ये उम्र है, इन बच्चों की तलाश की जाएगी और इन्हें यानी कि 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट के अनुसार जो है इन बच्चों को खोजने के बाद इन्हें शिक्षा दी जाएगी, इनके स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। और अगर इन बच्चों की बात करें तो कई सारे बच्चे जो है वो सड़कों पे नजर आते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं, भीख मांगते हुए नजर आते हैं, और इन बच्चों के कई बच्चों के माँ बाप भी नहीं है और कई बच्चे जो अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, तो इन बच्चों की अब जो है वो खोज की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैजिस्ट्रेट सचिन कुमार वेश्य ने जिला टास्क फोर्स और बचाव दल के साथ जो है वो बैठक की गई और बैठक में ये साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए कि जो भी 0 से लेकर जितनी भी 14 तक वर्ष उम्र है उन्हें जो है वो खोजा जाए और 1 सप्ताह के भीतर एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जाए, यानी कि जो डिविजनल ऑफिसर्स हैं उन्हें ये रिपोर्ट जो है वो देनी है कि उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर जो है वहाँ ये बच्चे जो है वो घूमते हुए नजर आते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं, तो एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि उन बच्चों को आने वाले समय में जो है अच्छी शिक्षा दी जाए और उनके स्वास्थ्य का जो है वो पूरी तरीके से ध्यान। बिल्कुल, शिक्षा शिल्पा, किस आधार पे जो है वो बच्चों को खोजा जाएगा, ढूंढा जाएगा, आधार क्या रहेगा इसके पीछे और कैसे कैसे बच्चों को सामने निकाला जाएगा? जैसे आपने कहा कि एक सर्वे की जाएगी, फिर उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन कौन बच्चे इसमें शामिल होंगे, किस तरह का ये प्रोसेस होगा पूरा प्रशासन का? देखिए, ये वो बच्चे होंगे जो बच्चे सड़क पर भीख मांगते हैं, जिन बच्चों का जिस तरीके से मैंने कहा कि कई बच्चों के माँ बाप नहीं है, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, और इसको लेकर भी कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को जो है वो फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं उसी सवाल पे आ रहा था शिल्पा, क्या इसमें वो बच्चे भी हैं जिनमें जिनके घर पर जो है वो माता पिता भी हैं लेकिन उसके बावजूद वो सड़कों पर काम कर रहे हैं, क्या उन्हें भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी? जी बिल्कुल, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको जो है वो फोर्स किया जाता है, जबरदस्ती काम करने के लिए जो भेजा जाता है। हालांकि जब हम उनसे बात करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, तो वो बच्चे जो है वो डरे सहमे नजर आते हैं और उनका साफ तौर पर कहना होता है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को जो है जबरदस्ती बाहर भेजा जाता है ताकि वो काम कर सके। और अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो जब भी हम उनसे बात करते हैं तो उन बच्चों का ये कहना होता है कि वो उर्दू पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, वो भी घर में पढ़ते हैं, और जो उनके गाँव है यानी कि जो बाहरी राज्य से यहाँ पर पहुंचे हैं, जब अपने गाँव में जाते हैं तो तब वहाँ पर जो है वो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को यानी कि जिनकी फैमिली नहीं है या फिर जिनके माता पिता नहीं है, जो रिश्तेदार के साथ रहते हैं, तो उन बच्चों को जो है वो खोजा जाएगा और जिनकी उम्र 0 से लेकर 14 वर्ष तक होगी उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी और अच्छा स्वास्थ्य, उनकी स्वास्थ्य का जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा।